हेलो एवरीवन हैपी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू कैसे हो आप सब और आज मैं जो बनाने जा रही हूँ उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर और आगे मैं दिखाऊंगी मैं क्या क्या बनाती हूँ और सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर तो उसके लिए मैंने ना हमेशा की तरह पहले तेल लिया फिर उसमें जीरा डाला और ये मैं लहसुन डाल रही हूँ और छः से सात लहसुन की कलियाँ थी मेरे पास और ये हरी मिर्च मैंने डाल दी है ये हरी मिर्च ना तीखी है तो मैंने सिर्फ यहाँ पे तीन लिया है और उन्हें बीस से काट के डाल दिया है और प्याज यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा बड़ा साइज़ में कट करके रख लिया था और प्याज मैंने लिए थे बड़े साइज़ के मतलब मीडियम साइज़ के थे तो तीन प्याज थे मेरे पास और दो बड़े साइज के बड़े बड़े मतलब पीस में मैंने कट करके टमाटर रख लिया था और प्याज को मैं ज़्यादा नहीं पका रही हूँ मतलब भूनना नहीं है मुझे सिर्फ़ सॉफ़्ट करना है प्याज सॉफ़्ट हो जाए और पनीर मैंने यहाँ पर लिया है ना हाफ़ के जी और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ये टमाटर और टमाटर को भी ना बस उतना ही पकाना है कि सॉफ़्ट हो जाए और बस प्याज और टमाटर को मैं एक साथ डाल रही हूँ डाल के पकाना है और जल्दी से पक जाए उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नमक और ये ध्यान रखना है कि मैंने अभी मसाले में भी नमक ऐड कर दिया है तो मैं ग्रेवी में जब डालूँगी तो थोड़ा सा कम ही डालूँगी और बस इसे ढक के मैं थोड़ी देर पका दूँगी और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी में मैं पीसूँ पीसूँगी इसको और ये देखो मैं ऐसे ना थोड़ा सा दबा दबा के भी ना इसे इसलिए कर रही हूँ कि ये अच्छे से पक जाए और ये है मटर पनीर का मसाला जो ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ है घर का तो वही मैं इसमें डाल रही हूँ बस ये अभी मैं इसे पैकेट नहीं खोलूँगी और इसे रख दिया था ठंडा होने के लिए ठंडा जब ये हो गया तो मैं इसे जार में निकाल रही हूँ और इसका ना एक पेस्ट बना लूँगी मैं जो कि मेन इंग्रेडिएंट है मेरा मटर पनीर के लिए और यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया था उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और जितनी भी मेरे पास पनीर थी ना वो मैंने इसमें थोड़ी देर के लिए सूप करके रख दिया है और इसका ये एक ट्रिक हो एक ट्रिक समझो कि जब भी हम मटर पनीर बनाते हैं ना तो फिर अगर ऐसा वाला ट्रिक हम डाल यूज कर रहे हैं ना तो उससे क्या होता है कि पनीर हमारी बहुत ही सॉफ्ट होती है जब भी ये मुँह में हमारे जाती है ना तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगती है और अगर फ्रिज में भी हम रख रहे हैं ना तो फिर उसके बाद बहुत टाइट हो जाती है जो पनीर के पीस वो नहीं होगा वो हमेशा ये सॉफ़्ट बनी रहती है और अभी मैंने इसमें ना थोड़ा सा प्याज डाला था प्याज को फ़्राई कर लिया है तो मेरे पास ये जो पेस्ट था ना पीस के रखा हुआ था और तो ये मैंने इसमें अभी ऐड कर दिया है और बस इसे मैं पकाऊंगी तीन से चार मिनट तक जब मसाला अच्छे से पक जाएगा यानी कि तेल छोड़ने लगेगा ना साइड से तो उसके बाद हम आ, आगे के प्रोसेस मतलब करेंगे और अभी आप देख सकते हो ना कि बस इसे मैं साइड से पका रही हूँ और मिक्सी में जो मेरा थोड़ा सा मसाला था बस उसमें मैंने पान, पानी ऐड कर दिया था और वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और ये है लाल मिर्च का पाउडर तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मैं डालूँगी पनीर मसाला और बस उसके बाद मैं यहाँ पर ये यह देखो आप अच्छे से चला रही हूँ मैं अच्छे से चलाना होता है ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए एक बार तो फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ये पनीर मसाला ये ऐड कर दिया है मैंने यहाँ से यहाँ पर एक से डेढ़ चम्मच के करीब और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर चला दे रही हूँ सारे मसालों को जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तो ये देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया है और ये मेरा ट्रिक है मतलब मटर पनीर बनाने के लिए और अभी थोड़ा सा और ऐड कर दिया है और आप देख सकते हो ना ये डालते ही मेरे मसालों का जो कलर है ना वो चेंज हो गया है और बहुत अच्छा कलर लग रहा है मटर पनीर के लिए और अभी मैंने यहाँ पे एक कटोरी मटर ऐड कर दी है और ये कट मतलब मटर जो है ना मेरी ये फ्रोज़न मटर है तो बस मैंने ऐसे ही इसको ऐड कर दिया था थोड़ा सा धुल दिया था मैंने उसके बाद और अभी मैंने इसमें डाल दिया है ये चीनी है मैंने जो डाली हुई है और ये चीनी मैंने एक चम्मच के करीब डाल दिया था ये इसमें और अभी मैं इसमें चार पांच ना पनीर के पीसेस आ, को ये देखो मैं ऐसे ग्रेट करके डाल रही हूँ ऊपर से इससे थोड़ा सा ना ठीक हो जाती है ग्रेवी और थोड़ा सा टेस्ट भी ना चेंज हो जाता है मुंह में पनीर का टेस्ट आता रहता है जब भी हम खाते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ नमक आपने देखा था ना मैंने उसमें भी डाला था और मेरे पास ये जो पनीर का मतलब ये गर्म पानी था ना यही वाला पानी मैं इसमें ग्रेवी के लिए ऐड कर रही हूँ और बस लास्ट में मैं यहाँ पे अपने पनीर के पीस ऐड कर रही हूँ और आप देख सकते हो ना मेरी ग्रेवी और मेरी पूरी की पूरी मतलब मटर पनीर कितनी मतलब कितना रिच लुक लग रहा है ना और बस ये ट्रिक है एक सिंपल सा ट्रिक के साथ में अपनी मटर पनीर यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा कलर लग रहा है कितना रिच लुक आ रहा है ना इसका किसी रेस्टोरेंट के बराबर ही है उससे कम नहीं लग रही है मेरी मटर पनीर और अभी मैंने मेरे पास जितनी भी थी ना मटर पनीर सॉरी पनीर के पीसेस वो मैंने सारे यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और बस ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि ये फिर फूट जाएंगे पनीर तो बस साइड साइड में ना थोड़ा थोड़ा सा करके चला देना है एंड लास्ट में इसमें मैं एक दो पनीर के पीसेस और ऊपर से थोड़ा सा ग्रेट करके डाल रही हूँ और फाइनली लोग ये देखो मेरे पनीर का और बस पनीर बन गई है तो इधर मम्मी ना तैयारी कर रही हैं कचौड़ियाँ बनाने की और कचौड़ियाँ ये चने की दाल की मम्मी बना रही हैं और ये गेहूं के आटे में बना रही हैं और उसके बाद ये देखो आप मेरी मेहंदी ये मैंने कल लगाया था मतलब कल शाम को लगाया था और इस वाले हाथ में तो मैंने अपने हाथों से ही लगा लिया था और इधर मम्मी का चौड़ियाँ भरने भी लगी हैं और ये देखो आप ये तैयारियाँ ना मतलब कचौड़ियाँ स्पेशल मामा लोगों के लिए बन रही है क्योंकि मेरे मामा को कचौड़ियाँ बहुत पसंद है और अब से थोड़ी देर में मतलब मामा की पूरी फैमिली यहाँ आने वाली है और इस बार रक्षाबंधन में वो लोग हमारे घर आ रहे हैं मम्मी नहीं गई थी क्योंकि एक तो प्रॉब्लम थी लॉकडाउन की वजह से और दूसरा कि जो मेरे चोट है उसकी वजह से मम्मी कहीं आ नहीं जा सकती तो फिर मामा लोगों ने बोला कि ठीक है हम लोग आ जाएंगे और बस हम लोग इसलिए फटाफट से खाना बना रहे हैं क्योंकि मामा लोगों का फ़ोन आया वो बस सब थोड़ी दूर पे बचे हैं आने वाले हैं तो बस मैं यहाँ पे कचौड़ियाँ निकालने ही लगी हूँ और उसके बाद मेरा खाना बन गया है बस लास्ट में पूरियाँ निकालनी हैं और बस उसके बाद हम लोग तैयार होंगे और मामा अभी दो से तीन किलोमीटर दूर हैं तो इतने में तो हम लोगों का खाना भी रेडी हो जाएगा और बस ये देखो कचौड़ियाँ मेरी इतनी सारी बन के निकल भी आई हैं और उसके बाद हम बनाएंगे पूरियाँ और ये देखो आप देख सकते हो ना ये कचौड़ियाँ भी कितनी फूली फूली निकल रही हैं और ये देखो अभी मैं बनाने लगी हूँ पूरियाँ और ये देखो कितनी फूली फुली से लग रही है ना लग रही है भटूरे की तरह एकदम और इसका ट्रिक भी बताऊँ ना मैं पूरी का तो आप ऐसे ऐसे प्रेस करोगे ना नीचे नीचे दबाओगे नीचे की, की तरफ पूरी को तो ये अपने आप फूलने लगती हैं बस ध्यान देना है कि तेल थोड़ा सा कम ना हो जितने में पूरियाँ डीप हो जाए मतलब ना क्योंकि डीप फ्राई तो करना ही होता है पूरी का हमेशा तो बस उसी में दबा दबा के आप ना कल्छी से दबाओगे ना तो अपने आप ये पूरियाँ मतलब पूरी फूल के तैयार हो जाती हैं और आप देख सकते हो ना कि मेरी सारी पूरियाँ ना ऐसी फूल के निकली थी और ये देखो मेरा आज का खाना और अभी जो आप ये देख रहे थे ना छोटा सा बेबी ये ना सुबह से मेरा छोटू सा भाई है और ये सुबह से मतलब बोल रहा था जब से मैं खाना बना रही थी ना तब से ये बोल रहा था कि मेरे राखी बांध दो और मेरे राखी बांध दो मैंने इसको बोला भी कि राखी तो कम है तो कह रहा है नहीं सबसे पहले मेरे बांध दो तो फिर अभी मैं किचन से निकली हूँ ना तो सबसे पहले मैंने इसको बांध दी राखी क्योंकि ये सुबह से मेरे घर पर बैठा हुआ था कहीं जा ही नहीं रहा था और उसके बाद बस मैं अब जा रही हूँ रेडी होने मेहंदी और आप लोग मेरी मेहंदी देख लो <laughs> और बस मामा लोग यहाँ पे आ गए थे ना अभी हो गया एक घंटे के करीब मामा लोग आ गए बैठे थे और आराम किया उसके बाद आ, बस ऐसे ही नाश्ता हुआ और उसके बाद मम्मी ने अब शुरू कर दिया है राखी बांधनी और ये सबसे बड़े वाले मेरे मामा हैं सबसे बड़े वाले और इसके बाद मम्मी अभी छोटे वाले मामा को राखी बांधेंगी उसके बाद मैं भैया लोगों को राखी बांधूंगी और बहुत टाइम के बाद ना सारे मामा लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ऐसा तो बहुत कम हो पाता था कि सारे मामा लोग रक्षाबंधन में एक साथ इकट्ठे हों और वो इस बार हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से और ये हैं मेरे भाई लोग ये सबसे बड़े वाले भैया हैं और उसके बाद छोटे वाले भैया हैं और uh, सभी लोग आए ना इस बार तो बहुत अच्छा लग रहा था घर पे घर बहुत भरा भरा सा लग रहा था इस रक्षाबंधन में और ये रक्षाबंधन ना बहुत ही स्पेशल बन गया था मम्मी के लिए भी और मेरे लिए भी क्योंकि सब लोग एक साथ थे और uh, ये सब लोग ना पहले मतलब हमेशा मुंबई में रहते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना कि हर बार आए रक्षाबंधन में पर हम लोग वैसे भी राखी बांध भेज देते थे पर इस बार तो कुछ अलग ही बात है क्योंकि सारे लोग इकट्ठे हैं सारी फैमिली इकट्ठा है तो बहुत अच्छी लग रही थी और एक बात और बताऊँ ना मैं आपको कि जो मैंने लौकी की बर्फ़ी बनाई थी घर पर वो सबको इतना पसंद आई इतना पसंद आई कि सब ने ना भर भर के खाया मतलब और मतलब ज़्यादा तारीफ़ तो नहीं कर सकती हूँ मैं बस इतना ही बोलूँगी ना कि सब ने लौकी की बर्फी इतना पसंद की कि उसके आगे कोई मिठाई खाई ही नहीं है और भैया को मामा लोगों को और ये देखो भैया ना फिर वही लौकी की ही जो बर्फी थी वही उठाई है और सब ने ना मतलब मांग मांग के खाया है सबको कुछ और बोलो ना खाने को तो बस नहीं लौकी की बर्फी खानी थी सबको तो बस और खाना वाना खा के ये देखो सब लोग जा रहे हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना जाने के टाइम मन नहीं हो रहा था कि ये लोग जाएं पर जाना तो था ही क्योंकि एक साथ सब लोग आए थे घर पे कोई नहीं था तो जाना तो था ही और ये मेरी मामी है सबसे बड़ी वाली और मामी कम ये एक्चुअली मेरी नानी के जैसी हैं और ये देखो सब लोग चले भी गए